हेलो फ्रेंड्स, सोनी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक पार्टी वियर गाउन की कटिंग करेंगे जो गर्ल्स के लिए है और ये चेस्ट साइज 32 इंच का है। तो ये हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो ये हमारा सिल्क फैब्रिक है और इसको हमने 4 मीटर लिया है। 4 मीटर फैब्रिक से हम अपने गाउन कटिंग करेंगे। और जो लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है वो 3 मीटर का लिया है। तो ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है जो हम नीचे के घेर में और ऊपर टॉप में हम अस्तर लगाएंगे। अब इसको पहले हम लंबाई की साइड से खोल के इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से डबल फोल्ड करके अपने टॉप की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 14.5 इंच का ऊपर का टॉप तैयार करना है। तो 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन सभी निशानों को सीधा करके पहले कपड़े को हम कट कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो। काफ़ी कपड़ा हमारा काफ़ी ये लंबा है तो हमें कटिंग करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ से हम कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो हमें 32 इंच का तैयार करना है। तो ये टोटल 40 इंच है। 2-2 इंच हम अपना सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब हम इसको हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को एक साथ कट करना है। तो यहाँ से हमने डबल कपड़े में इसको 4 राउंड में इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम चेस्ट का देख लेंगे 8 इंच पर और 2 इंच अपना सिलाई मार्जिन। तो ये हमारा दोनों पार्ट एक साथ कट के तैयार होगा। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर रखेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच का रखेंगे। यहाँ से हमें बोट नेक बनाना है। तो बोट नेक पे हम अपना शोल्डर 7 इंच का रखेंगे और यहाँ से भी 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब अपना आर्म होल देखेंगे तो आर्म होल भी हम 7 इंच पे रखेंगे। अब इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे और इस निशान को आगे की साइड बढ़ा लेंगे। अब हम अपना शोल्डर रखेंगे। तो फ्रेंड, आप जितना चौड़ा शोल्डर पहनना चाहती हैं वैसे आप रख लें। अगर आप पतला शोल्डर रखना चाहती हैं तो 2 इंच पे निशान लगा लें। अगर आप थोड़ा चौड़ा चाहती हैं तो 2.5 इंच पे निशान लगा लें। इससे ज़्यादा शोल्डर ना रखें क्योंकि बोट नेक में हमारा शोल्डर पतला ही होता है, ज़्यादा चौड़ा शोल्डर नहीं होता है। तो यहाँ से जब हम अपनी सिलाई मार्जिन रखेंगे तो ये हमारा 1.25 इंच के ही करीब आएगा अगर आप 2 इंच का शोल्डर रख रही हैं तो। अब यहाँ से हम 2.5 इंच का रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमें चौड़ा चाहिए तो हम 2.5 इंच का यहाँ रख रहे हैं। यहाँ से जब हमारी सिलाई मार्जिन जाएगी तो ये 2 इंच के 1.25 इंच के करीब हमारा शोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। इसमें हमें बाजू नहीं अटैच करना है। अब यहाँ से जो बचेगा 4.5 इंच वो हम गले में कट करेंगे। तो सेम निशान 4.5 इंच पर यहाँ से भी लगाएंगे और यहाँ से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब अपने गले की गहराई लेंगे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे अपने गले की गहराई देंगे और इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे और अपने गले का शेप देंगे। तो इसमें हमें बोट नेक करना है तो बोट नेक का ऐसे हम शेप ले लेंगे। तो फ्रेंड, ज़्यादा गोल राउंड ना दें, ज़्यादा गुलाई में हमें बोट नेक नहीं करना चाहिए। यहाँ से ऐसे तिरछा, हल्का सा तिरछा लेके हम ऐसे निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम इसमें गले की कटिंग नहीं करेंगे, हम पेस्टिंग पेपर से गले की कटिंग करेंगे सेम ऐसे ही निशान लगा के। अब यहाँ से हम अपना टक्स पॉइंट देखेंगे। तो टक्स पॉइंट 9 इंच पे है और 0.5 इंच हम अपना सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे जो 0.5 इंच हमारे ऊपर की साइड में सिलाई में दबेगा। यहाँ से जब हम स्टिच करेंगे तो ये हमारा 9 इंच पे, ये नीचे वाले निशान पे 9 इंच पे आएगा। अब यहाँ से हम 3.5 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। तो ये हमारा डॉट का हो गया और यहाँ से हम 1-1 इंच का इस पे डॉट देंगे। तो फ्रंट पार्ट में आगे वाले पल्ले में हम 1-1 इंच का डॉट लगाएंगे। इसमें हम पफ तेल लगाएंगे यानी पैड लगाएंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट का देख लेंगे। तो यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे और अपना ये हम बैक पार्ट की, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम इसमें शोल्डर डाउन नहीं करेंगे तो हम यहाँ से इसको पहले निशान लगा के कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें हमने दोनों पार्ट को एक साथ कट कर रहे हैं। तो पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ से ऐसे निशान को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से अपनी सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम अपना आर्म होल देख लेंगे। तो आर्म होल हमें 14 इंच तैयार करना है। तो ये हमारा 7 इंच पे आ जा रहा है। इसमें हमें बाजू अटैच नहीं करना है।
जब हम इसको सिल के पलटेंगे तो यह हमारा 14 इंच का आर्म होल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे सभी निशान लग चुके हैं। चलिए हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम अपना पीछे का जो हमारा ये इसको हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे और इसको हम बैक पार्ट बनाएंगे, यानी पीछे का पल्ला बनाएंगे। तो हम इसमें अपना डॉट लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसमें अपना 9 इंच पे डॉट लगाएंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच की दूरी लेंगे। तो पीछे वाले पार्ट में हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड बढ़ा के लिया है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच का इस पर डॉट लगाएंगे। पीछे वाले पार्ट में हम सिर्फ 1/2 इंच ही सिलाई मार्जिन रखेंगे और फ्रंट पार्ट में हमने 1-1 इंच का डॉट लगाया है। तो ये हम इस पर हमने 1 इंच लिया है और बैक पार्ट में 1/2 इंच लिया है। इस पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये भी हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। अब यहाँ से हम शोल्डर को 1 इंच अंदर की साइड डाउन करेंगे और यहाँ से हम ऐसे तिरछा निशान मिला लेंगे और इसमें गुलाई ले लेंगे। तो ऊपर वाली लाइन से हम 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हुए अपनी गुलाई दे दें। आप चाहें तो इंची टेप की मदद ले सकती हैं। यहाँ से 1 इंच की दूरी पे यहाँ से इस कोने से इंची टेप को रखें और 1 इंच की दूरी पर अपनी गुलाई दे सकती हैं। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का होगा। जो गहराई वाली साइड है वो हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। अब यहाँ से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। सभी निशानों पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई। गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, हम पेस्टिंग पेपर पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये पफ लगाना है। तो इसके लिए हमें एक और अस्तर कट करना है। तो ये हमने एक हल्का सा कॉटन का ये अस्तर ले लिया है और यहाँ से हम इसको ऐसे इसी के शेप से कट कर लेंगे। इसको हम मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। हमें फ्रंट पार्ट के लिए 3 पार्ट कट करने हैं, 2 अस्तर वाला और 1 मेन फैब्रिक। अब यहाँ से हम मेन फैब्रिक पर इसको रखेंगे और ऐसे रफली कट कर लेंगे। तो ये हमारी मेन फैब्रिक की कटिंग हो रही है। फिर हम इसको इस पर रखेंगे और ऐसे हम अपना रफली कट कर लेंगे। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो इसको हम फाइनल कट करेंगे। अब नीचे का घेर कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कपड़े को, जो भी हमारा कपड़ा जो बचा है, तो यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इसको हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इस कोने को उठा के इस कोने को हम ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पे अम्ब्रेला कट जो हम करते हैं ऐसे हमें सिर्फ फोल्ड कर लेना है। तो ये हम बंद साइड से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम अपने कमर का मेजर लेंगे। तो यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर के कोने से हम इंची टेप को यहाँ से पकड़ेंगे और इस यहाँ तक 11 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान बीच में भी लगाएंगे और इन सभी निशानों को आपस में गोल शेप देते हुए हम यहाँ से मिला लेंगे। तो यहाँ से ऐसे करते हुए हम अपने कमर का भी देख लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम हल्का सा यहाँ पे कर सिलाई करते वक्त कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगा के इसकी गुलाई ले लेते हैं। अब हम पूरी लंबाई लेंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई मार्जिन रखते हुए और यहाँ पे हमने 43 इंच पे निशान लगाया है ऊपर यहाँ से इंची टेप को रखते हुए, और 43 इंच यानी 43 इंच पे हमने निशान लगाया है और इस निशान को आपस में एक दूसरे से मिलाते हुए गोल शेप ले लिया है। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ऊपर वाले पार्ट को भी हम यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा नीचे का घेर तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमारा जो फोल्ड साइड है उसको भी हम यहाँ से कट करके ओपन कर लेंगे। ये हमारा बहुत ही काफ़ी घेर बन के तैयार होगा। अब यहाँ से जो हमारा ये कपड़ा कम है, यहाँ से हम इसको अच्छी तरह से इस पर सेट करेंगे और यहाँ से सेट करके हम यहाँ से रफली इसको कट कर लेंगे। जब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे तो हम इसको फाइनल एक बार कट कर लेंगे। तो ये हम थोड़ा सा बढ़ा के कट किया है हमने और यहाँ से इसको कपड़े को बराबर कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम एक और पार्ट को निकाल लेंगे क्योंकि हमें दोनों साइड में इसको ज्वाइंट करना है। तो ये हमारे 2 पार्ट पीसेस कट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम एक पोंचू डिज़ाइन देंगे। हम ऊपर वाले टॉप में पोंचू डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम ये बचा हुआ जो फैब्रिक है
इसको अच्छी तरह से यहाँ से गोलाई में कट कर लेंगे और यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से देख लेंगे जो हमारा ऊपर का चेस्ट का है 40 इंच, तो यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे की साइड से हमने 11 इंच पे निशान लगाया है। तो नीचे की साइड से हम 11 इंच पे ऐसे निशान लगा के इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे कि इसको हमने कैसे तैयार किया है। अभी ऐसे ही जैसे हमने ये मेन फैब्रिक की कटिंग किया था अम्ब्रेला कट में, वैसे ही हम सेम अस्तर को भी कट कर देंगे। तो इसका कमर हम यहीं से मेजर करेंगे, तो इसको इस पर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसी के बराबर से हम अपने कमर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम अपनी लंबाई लेंगे, तो जो भी हमारी ये लंबाई है हम टोटल रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे अस्तर की भी कटिंग कंप्लीट होती है और यहाँ से जो ज्वाइंट है उसको ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, कटिंग के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे, तो हमें स्टिचिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमें स्टिच करते समय क्या क्या चाहिए। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट होती है, हमने ऐसे गले की भी पट्टी को कट करके कपड़े पे प्रेस की मदद से चिपका लिया है। अब हम यहाँ पे एक बुकरम लेंगे, ये हमारा एक पेस्टिंग पेपर है जो सिलवार में लगता है, ये हम नीचे की घेर में अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो पीको भी करा सकती हैं। अब हमें ऐसा एक लैस लेंगे जिससे हम अपना बेल्ट तैयार करेंगे और ऊपर के टॉप में हम ये पॉप लगाएंगे। ये हमारी सभी चीज़ें कंप्लीट होती है और इस ब्लाउज़ को हम ऐसे तैयार करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।